दोस्तों, अगर आप सभी का एक नया YouTube चैनल है और आप भी चाहते हो कि मेरी वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आने लग जाए, तो इसका एक ही बेस्ट तरीका है आपको अपनी वीडियो YouTube सर्च रिजल्ट में रैंकिंग कराने का, जिससे आपको लाइफ टाइम तक व्यूज सब्सक्राइबर मिलने लग जाएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगा वायरल टैग। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको अपनी वीडियो के लिए वायरल टैग सर्च करने नहीं आते, उनको नहीं पता कि हम अपनी वीडियो के लिए वायरल टैग कहां से ले। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल दो आसान तरीके बताऊंगा हाउ टू फाइंड वायरल टैग ऑन यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, आप सभी अपना स्मार्टफोन यूज करके अपनी वीडियो के लिए वायरल टैग सर्च कर सकते हो। आपको कोई भी लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो दोस्तों बहुत बेस्ट वीडियो होने वाली है, कोई भी पार्ट मिस मत करना, बिल्कुल एंड तक वीडियो देखना। आज की वीडियो बहुत बेनिफिट वीडियो होने वाली है, तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को भी पता लग जाए कि आपकी कैटेगरी में सबसे ज्यादा आपकी ऑडियंस किस तरह का कीवर्ड सर्च करती है, किस तरह का टैग सर्च करती है, तो अगर आप सभी को ये पता लग जाए तो दोस्तों आपका YouTube चैनल ग्रो होने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज की इस वीडियो में दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका है YouTube ऑटो सजेशन। अब बहुत सारे यूट्यूबर को नहीं पता होता कि यूट्यूब खुद आपको ऑटो सजेशन करता है टैग। बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है, आप सभी दिमाग का यूज नहीं करते। वो कैसे बताता है, चलिए मैं आप सभी को अपनी मोबाइल स्क्रीन पे बताता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सभी मेरी मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो, मैंने अपने मोबाइल में यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि यहाँ यूट्यूब खुद कैसे बताता है। बस दिमाग लगाने की आपको जरूरत है, वो कैसे लगानी है चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी भी एक टॉपिक पे वीडियो बनाई, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है उसका टाइटल डाल के कि आपके टॉपिक को ऑडियंस यूट्यूब पे किस किस तरीके से सर्च करती है, क्योंकि यूट्यूब आपको खुद बता देता है। क्योंकि अपनी वीडियो आपको यूट्यूब पे वायरल करनी होती है, तो यूट्यूब खुद बताता है कि आपके टॉपिक को ऑडियंस यूट्यूब पे किस किस टाइटल से सर्च करती है। चलिए फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाई, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करे यूट्यूब चैनल पर, तो यहाँ पर मैं यूट्यूब सर्च में लिखता हूँ 4000 वॉच टाइम। मैंने यहाँ पर 4000 वॉच टाइम लिखा, तो उसके नीचे आप सभी कीवर्ड्स देख सकते हो कि मेरे टॉपिक को ऑडियंस यूट्यूब पे किस किस तरीके के कीवर्ड से सर्च करती है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो 4000 वॉच टाइम कैसे पूरा करे। सबसे पहला कीवर्ड 4000 वॉच टाइम, दूसरा कीवर्ड 4000 वॉच टाइम क्या होता है, 4000 वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करे, 4000 वॉच टाइम कितना होता है, 4000 वॉच टाइम के लिए कितना व्यूज चाहिए, 4000 वॉच टाइम हावर्स कैसे करे पूरा करे। तो यहाँ पर यार दोस्तों खुद देख सकते हो, यूट्यूब खुद सजेशन आपको कर रहा है कीवर्ड्स कि आपका जो टॉपिक है, अगर आपका टॉपिक वहां आप सर्च करोगे तो आपका जो ऑडियंस है, मतलब कि जो इस टॉपिक को सर्च करेगी, वो किस किस कीवर्ड से डाल के सर्च करेगी। अगर आप इन कीवर्ड्स को कॉपी करके अपने टैग वाले सेक्शन में डालते हो, तो कोई भी कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करेगा यूट्यूब पे, तो आपकी वीडियो वहां पर 100% आएगी। दिमाग लगाने की जरूरत होती है, बस दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ अपना वीडियो बनाते हो, वीडियो बना के अपलोड कर देते हो, बस सीओ वीडियो का कभी भी नहीं करते, तभी आपकी वीडियो वहां सर्च में नहीं आती। तो इन तरीकों का यूज करना है, अभी छोड़ के मत जाना वीडियो, अभी और भी कुछ सिखाऊंगा, अच्छा ही सिखाऊंगा, ताकि आप सभी को भी हेल्प हो जाए। अब मैंने यहाँ पर लिखा 4000 वॉच टाइम, सिर्फ ये शॉर्ट कीवर्ड्स लिखा मैंने, शॉर्ट कीवर्ड्स में ये कीवर्ड्स आए। अब मैं पूरा लिखूंगा यहाँ पर लॉन्ग में कि 4000 वॉच टाइम कैसे पूरा करे। अब मैंने यहाँ पर 4000 वॉच टाइम कैसे पूरा करे, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि इससे रिलेटेड भी लॉन्ग कीवर्ड्स आया, यहाँ पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा करे। तो आपको शॉर्ट्स में भी लिख के वहां कीवर्ड देखना है, और लॉन्ग में भी लिख के लॉन्ग टर्म में भी यूज करना है। तो दोनों तरीके से यहाँ पर आपको दोस्तों करने की जरूरत है, तभी आप सभी को पता लग जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप कीवर्ड सर्च करके अपने टैग वाले सेक्शन में लगाओगे, तो आपकी वीडियो 100% वहां पर सर्च, ये यूट्यूब के सर्च उसमें आएगी। कोई भी किसी भी कीवर्ड से सर्च करेगा आपके टॉपिक को, तो 100% आपकी वीडियो आएगी। सबसे पर्सनल तरीका मैं खुद यूज करता हूँ, और बड़े बड़े यूट्यूबर इस चीज का यूज करते हैं।
किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, वहां पर जो भी टाइटल वो अपनी वीडियो में रखते हैं तो एक बार वो YouTube पे जरूर सर्च करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, कि YouTube पे कि हमारे टॉपिक को ऑडियंस किस किस कीवर्ड्स से डाल के सर्च करती है, तो वो ही कीवर्ड्स वहां यूज किए जाते हैं ताकि उनकी वीडियो सर्च में आए और ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। तो वो ही तरीका आपको यूज करना है। किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाओगे, पहले वहां पर टाइटल सोचना है अच्छे से। टाइटल सोच लोगे, यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करनी है, यूट्यूब एप्लीकेशन में आना है और अपना टाइटल शॉर्ट्स में भी लिख के देखना है, लॉन्ग में भी लिख के देखना है। जो भी कीवर्ड्स आएंगे वहां पर आपको पता लग जाएगा कि इस तरीके से आपके टॉपिक को ऑडियंस यूट्यूब पे सर्च कर रही है। बहुत ज्यादा बेस्ट तरीका है दोस्तों। पहला तरीका आपको समझ में आ गया, अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर ले। तो दोस्तों मैंने अपने मोबाइल में गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। अब यहां पर मैं सर्च में जाता हूं और सर्च में लिखता हूं रैपिड टैग। रैपिड टैग्स के नाम से वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप मोड बंद कर लेता हूँ एक बार ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर रैपिड टैग्स के नाम से एक वेबसाइट आएगी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप सभी के सामने ऑप्शन आएगा यूज टूल्स फॉर फ्री, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप सभी के सामने सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो सर्च वाले ऑप्शन में आपको अपना टॉपिक डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले डाला था व्यूज कैसे बढ़ाए। यहाँ पर भी मैं टैग देखता रहता हूँ, तो मेरा यही टॉपिक मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे व्यूज कैसे बढ़ाए। तो यहाँ पर जैसे आप लिखोगे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नीचे आपके काफी सारे टैग्स आ जाएंगे जो कि यूट्यूब पे सर्च किए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे व्यूज आ गए हैं, कि व्यूज कैसे बढ़ाए, तो यूट्यूब पर व्यूज कैसे बढ़ाए, इंस्टाग्राम रील्स पर व्यूज कैसे बढ़ाए। तो इस तरीके से जो है यूट्यूब पे सर्च किए जाते हैं कीवर्ड। तो इन दोनों तरीकों का यूज करके आप अपनी वीडियो के टैग सेक्शन में लगा सकते हो टैग, क्योंकि मेरे को कमेंट भी आती है बहुत सारी कि सर टैग लगाना बताइए, टैग सर्च करना बताइए। तो आज की ये वीडियो इसलिए आप सभी के लिए बना रहा हूं। तो दोस्तों इन दोनों तरीकों का यूज करके आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर अप्लाई करके देखना, धीरे धीरे आपके यूट्यूब चैनल पर आपको फर्क 100% दिखेगा। तो ये दोनों तरीके बहुत अच्छे तरीके हैं। जो पहला तरीका आपको बताया है मैंने वो बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, क्योंकि YouTube पे आपको अपनी वीडियो डालनी होती है और YouTube पे ही आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऑडियंस आपके टॉपिक को कौन से कीवर्ड से सर्च करती है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको अपनी वीडियो के लिए वायरल टैग सर्च करने हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे नए हो तो रेड बटन पे क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।